हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को तो पता है कि गर्मी का मौसम आ चुका है। अब काफ़ी गर्मी पड़ने लगी है। हाँ, इस साल थोड़ा हर बार की तरह से कम है, क्योंकि हर टाइम थोड़ा बहुत बारिश होती रहती है। इस समय तो बारिश की वजह से काफ़ी कम है गर्मी हमेशा की तरह से। तो इस गर्मी में बच्चों को घमौरियाँ निकलना, उनके छोटे छोटे दाने निकलना, या बच्चों को गर्मी की वजह से जैसे पसीना आया, यहाँ गर्दन में, जैसे बच्चा हेल्दी है तो उसकी गर्दन की ये जो स्किन होती है थोड़ा ऐसे झुकी हुई होती है, यहाँ से फोल्डेबल होती है, तो पसीना जब आता है वो यहाँ पे उसके बच्चे के स्किन पे रुकता है, तो वहाँ रेड रेड दाने होना या रैसेस पड़ जाना ये एक नॉर्मल है। तो जांघों के बीच में, हाथों के जॉइंट में, यहाँ पर, तो ये हम बड़ों को भी हो जाता है गर्मी में जब ज़्यादा पसीना आता है। तो बच्चों, तो वैसे ही भी बच्चा अगर हेल्दी है तो उसको ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ऐसे में हमको होता है, हम क्या लगाएं या कौन सा पाउडर यूज करें जिससे हमारे बच्चे की ये सारी प्रॉब्लम्स सही हो जाएं, या बच्चे को अगर घमौरियाँ निकली हैं तो घमौरियाँ सही हो जाएं। तो वैसे मार्केट में बहुत सारे पाउडर अवेलेबल हैं। एक जैसे बच्चे में ही बेबी जॉनसन्स का हो गया, हिमालय का हो गया, और भी कई हैं। तो मेरे हिसाब से मैंने तो ये हिमालय का पाउडर भी यूज करके देखा, ये एकदम बेकार है, ज़रा सा भी कुछ फ़ायदा नहीं करता है बच्चे को। और अगर आप बच्चे को लगाओगे तो उसके स्किन में फैलने या एब्जॉर्ब होने की बजाय वो एकदम आटे की तरह उसमें छप जाता है, जैसे हमने बच्चे को कोई आटा लगा दिया है, ऐसा होता है। ये देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये ऐसे ही वाइट वाइट दिखता रहेगा, ये बिल्कुल भी शरीर में जाके ये नहीं है कि एब्जॉर्ब हो जाए। तो मुझे ये पाउडर बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो फ्रेंड्स, मुझे ये हिमालय का बेबी पाउडर है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। जैसा कि आपने देखा, ये स्किन में बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं होता है, आटे की तरह लगा रहता है। ये तो हम लोग की स्किन है, बच्चों की स्किन तो और भी ज़्यादा सेंसिटिव और एकदम सॉफ्ट मुलायम होती है। और ऐसे ही बेबी जॉनसन्स का पाउडर भी मैंने यूज करके देखा था, फ़िलहाल अभी वो मेरे पास नहीं है आपको दिखाने के लिए, लेकिन वो भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। फिर मुझे एक लोगों ने सजेस्ट किया कि बच्चे को घमौरियों हैं या कोई भी दिक्कत है, क्योंकि मेरा बेबी भी काफ़ी हेल्दी था बचपन में, अभी भी ठीक ठाक है, तो उसको भी ये गर्मियों में पसीने की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, घमौरियाँ वगैरह, और सर में भी दाने निकल आना, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती थी उसके, पूरा ये गर्दन वगैरह में सब जगह रेड रेड दाने निकल आते थे, फेस में और दोनों पैरों के जॉइंट में काफ़ी ज़्यादा उसको दिक्कत होती थी। तो मैंने ये यूज किया कैंडिड, ये आप देख पा रहे होंगे, कैंडिड डस्टिंग पाउडर है। इसको बड़े भी यूज कर सकते हैं और हम बच्चों पे भी बिना किसी टेंशन के यूज कर सकते हैं। मुझे जिन्होंने बताया था वो एक होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, और ये पाउडर भी होम्योपैथिक ही कह सकते हैं आप, ये बहुत अच्छा है। अगर आपको खुद भी कहीं कोई दिक्कत ऐसी होती है रैसेस की या गर्मियों की वजह से घमौरियों की, दानों की, तो आप इसको यूज कर पा सकते हैं। यहाँ पे तो मैं अपने बच्चे को यूज करती हूँ, मैं खुद भी यूज करती हूँ, और मेरे हस्बैंड भी इसको यूज करते हैं। जैसे उनको गर्मी की वजह से कोई भी दिक्कत होती है तो वो यूज करते हैं, घमौरियाँ वगैरह निकलती हैं, तो हम लोग यही पाउडर यूज करते हैं। तो मैं अपने बच्चे को वही 3 मंथ्स के बाद से ही, क्योंकि 3 मंथ्स के पहले मुझे मालूम नहीं था इस पाउडर के बारे में, तो उसके बाद से उसको जब भी कोई भी दिक्कत होती है, गर्मी हो या वैसे नॉर्मली भी कोई दिक्कत होती है, तो मैं यही कैंडिड पाउडर ही यूज करती हूँ। ये देखिए, इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी है, मैं आपको इसको भी थोड़ा सा यूज करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, खुशबू भी इसकी अच्छी है, बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं, ये हमने यहाँ पे हिमालय लगाया था और ये मैंने कैंडिड लगाया है। तो आप देख पा रहे होंगे कि कैंडिड आपको पता नहीं चलेगा, और हिमालय ये यहाँ पे लगा हुआ है, ये आटे की तरह ही बच्चे की स्किन में भी ऐसे ही छप जाता है, एब्जॉर्ब नहीं होता है। कैंडिड पाउडर हम लगाते हैं बच्चे की स्किन में पूरी तरह से,
एब्जॉर्ब हो जाता है, और इसके फ़ायदे बहुत अच्छे हैं। आप घमौरियों में, दानों में, या जैसे किसी कीड़े ने भी अगर आपके बच्चे को काट लिया है तो आप वहाँ भी इस पाउडर को यूज़ कर सकते हैं। इस पाउडर को लगाने के बाद जो कीड़े मकोड़े ने काटा है, अगर बच्चे के कहीं भी हाथ में, पैर में, कहीं पर भी अगर बच्चे को काटा है, फेस में, आप इस पाउडर को सोते समय उसको लगा दीजिए वहाँ पे, तो वो निशान, मतलब जहाँ पर भी कीड़े ने काटा है, बहुत जल्दी सही होगा। प्लस जो काट के गया है तो कई बार होता है उसका निशान छोड़ जाता है वो ब्लैक कलर का, तो इसके यूज से, कैंडिड पाउडर के यूज से, वो निशान भी नहीं रहता है, वो निशान अपने आप धीरे धीरे हट जाएगा पाउडर लगाने से। तो ये मुझे इसकी बहुत अच्छी बात लगी कि हमें कोई भी दिक्कत हो या बच्चों को दिक्कत हो तो उस पर बहुत ही जल्दी असर करता है, और प्लस बच्चों के शरीर में कोई निशान भी नहीं रहने देता है। तो आप लोग ये वाला पाउडर एक बार यूज करके ज़रूर देखिएगा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आई होप आपको भी पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा मुझे लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर भी कर दीजिएगा, और आप नए हैं मेरे चैनल में तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।